कहता है डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन और ऑड. डिटरमाइन करो ये जो गिवन फंक्शंस हैं ये इवन हैं या ऑड हैं. तो इवन फंक्शन किसे कहते हैं? ऐसे फंक्शंस जिनमें हम एक्स की जगह पर, फॉर एग्जांपल एक आपको फंक्शन दिया जाए एफ ऑफ एक्स और आप एक्स को रिप्लेस कर दें, एक्स को रिप्लेस कर दें, एक्स की जगह पर लिख दें माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिखने के बाद ये ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाए और माइनस साइन ख़त्म हो जाए तो इसे कहते हैं इवन. और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन बाहर थ्रो कर दे तो ये कहलाता है ऑड. इस तरह ज़रा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन में एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स के. अगर मैं रिप्लेस करता हूँ एक्स को किससे? नेगेटिव एक्स से, एक्स बाय माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स. जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स का क्यूब, क्यूब क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स. इन दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, पीछे रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स और यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स. अगर गौर से ऑब्जर्व करें एक्स क्यूब प्लस एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स की, तो इसकी जगह पर लिख देंगे माइनस एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिख देंगे, ये वाली वैल्यू. तो क्योंकि माइनस कॉमन लेकर एक्स की जगह पर जब हमने माइनस से एक्स से रिप्लेस किया तो कॉमन लेकर ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया. ऐसी कंडीशन हो तो हम इसे लिखते हैं ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन. इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर टू में सिचुएशन देखते हैं क्या है. एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस टू का स्क्वायर, रिप्लेस करते हैं हम इसमें भी, रिप्लेस करते हैं एक्स बाय माइनस एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ना कॉमन लेने से, ना कॉमन लिए लेने से पहले ना कॉमन लेने के बाद ओरिजिनल फंक्शन वापस आ सकता है, तो इसको लिख देंगे नाइदर इवन नॉर ऑड. क्योंकि माइनस कॉमन लेने से दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन वापस नहीं आ सकता, इसलिए हमने लिख दिया नाइदर इवन नॉर ऑड. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की, इसके पार्ट थ्री की तरफ. पार्ट थ्री में कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के. तो जहाँ जहाँ पर एक्स है आप क्या लिख देंगे? माइनस एक्स. रिप्लेस कर देते हैं एक्स बाय माइनस एक्स. जहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक्स है तो उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं? माइनस एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के. तो आप इसको देखा जाए तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन दोबारा से वापस आ चुका है, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. तो ये आपके पास फंक्शन आ गया, कौन सा? ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट फोर की तरफ. तो पार्ट फोर में ना माइनस कॉमन लेने के बाद इवन आता है ना ऑड. देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन. एक्स की जगह पर जब आप माइनस एक्स लिखते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वन ओवर माइनस एक्स प्लस वन. माइनस कॉमन लेने के बाद पहले ओरिजिनल फंक्शन वापस नहीं आ सकता, इसलिए लिख देंगे नाइदर इवन नॉर ऑड. ना ये इवन है ना ये ऑड है, ठीक है. इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट फाइव की तरफ. पार्ट फाइव बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि इस बार जो पावर है वो आपके पास इवन ऑड का, उसको ज़रा देखने का ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है. टू बाय थ्री प्लस सिक्स, तो जब हम रिप्लेस करेंगे रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स बाय माइनस एक्स, हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स की पावर टू बाय थ्री प्लस सिक्स. तो अब ये इवन है टू बाय थ्री या ऑड है, इसका आसान तरीका यूँ है कि आप इस तरह लिख सकते हैं माइनस एक्स
2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 प्लस 6, क्योंकि 2 इवन है इसलिए ये यहाँ पर x आएगा और 2 बाय 3 प्लस 6, तो माइनस x लिखा लेकिन ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया। देखा जाए तो ये वैल्यू दोबारा से वापस आ चुकी है, तो f ऑफ माइनस x इक्वल है f ऑफ x के, ओरिजिनल फंक्शन आपको वापस आ गया इसलिए इसको लिखेंगे इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास, देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल है x क्यूब, सॉरी फॉर दैट, ये हिल चुका है कैमरा, मैं कैमरा सेट करता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन में f ऑफ x x क्यूब माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। x की जगह पर माइनस x लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस x का क्यूब माइनस इंटू माइनस x ओवर माइनस x का स्क्वायर प्लस 1। तो f ऑफ माइनस x की वैल्यू आ जाएगी माइनस x का क्यूब माइनस x होता है माइनस माइनस प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि माइनस साइन कॉमन लेने के बाद x क्यूब माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 जो कि आपका ओरिजिनल फंक्शन है वापस आ रहा है, इसको लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हम कह देंगे ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इवन एंड ऑड का था क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा था बताओ ये क्वेश्चन इवन है या ऑड है, तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 ऑड है, पार्ट 2 उसमें से नाइदर इवन नॉर ऑड है, पार्ट 3 ऑड फंक्शन है, पार्ट 4 नाइदर इवन नॉर ऑड है, पार्ट 5 इवन और पार्ट 6 फिर से क्या है, ऑड्स हैं। तो ये 6 पार्ट्स थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।